हैं और औरों को जीवन सुंदर बनाने के लिए कार्य करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आयोजक जो है वो वही है, हम लोग जो है मात्र संयोजक है जो इस कार्यक्रम में उनका सहयोग कर रहे हैं कि यह कार्यक्रम जो है बहुत विश्व स्तरीय का मनाया जाएगा। यदि किसी को मैं कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हाँ जी, देखिए हमारे बड़े बड़े जो हैं सृष्टिगण हैं, जैसे कि हमारे संवेग भाई हैं गुजरात से, हमारे राजस्थान से अशोक पाटनी हैं, आर के मारवाल आदि हैं, ऐसे बड़े बड़े सृष्टिगण जो हैं जो इसमें आ रहे हैं। और हमारे भारत से बाहर भी ऐसे बहुत महानुभाव हैं, जो हमारे एक सुधीर जैन जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भी इसमें शिरकत ले रहे हैं। और हमारे जो गोपाल जी हैं जो अमेरिका से हैं, वो भी इस प्रोग्राम में यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे बहुत बहुत सृष्टिगण भी हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसे नेता भी हैं जो नेता होते हुए भी नेता के रूप में नहीं बैठेंगे, समाज के साथ बैठेंगे। वो समाज के साथ आकर के आप जैसे बैठेंगे और कार्यक्रम के दृश्य को देखेंगे, ऐसे लोग भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे यहाँ पर जो चार शाखाएं हैं, दिगंबर और सितंबर में मूर्ति पूजक सितंबर और स्थानकवासी सितंबर और तेरापन सितंबर, ये चार संप्रदाय हैं। चारों संप्रदायों का प्रोग्राम है, एक साथ मिलकर के चारों संप्रदायों का प्रोग्राम है, जिसमें हमारी जो राष्ट्रीय लेवल की जो संस्थाएं हैं उन सबकी संस्थाओं की अनुमति पत्र द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। भारत चुनाव हाँ, ये सारे सारे चारों संप्रदाय के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। भारत चुनाव का दौर है, इलेक्शन और आचार संहिता लागू है, और जो भी कोई कोई भी चीजें सरकारी प्रशासन पे चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होती है, ठीक प्रधानमंत्री है। देखिए ऐसा कार्यक्रम होता है कोई ये जो कोई ये जो प्रोग्राम है आज आज का डिसाइड नहीं है, आज से लगभग 8-9 महीने पहले जो है इन सब लोगों ने कार्यक्रम के लिए कहा था, और ये प्रोग्राम जो है 3-4 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। तो ये आज का प्रोग्राम नहीं है, डिसाइडेड प्रोग्राम है। और इसलिए मिनिस्ट्री ने भी चुनाव जो अधिकारी हैं उनसे परमिशन ली है, फिर बाद में ये प्रोग्राम किया है। परमिशन उनसे क्लियरेंस मिल गई है, इसके बाद ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए ये धर्म का धार्मिक प्रोग्राम है, ना कि कोई राजनीतिक प्रोग्राम है ये। बोलिए। हाँ, देखिए मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि अहिंसा से ही शांति मिल सकती है। देखो एक व्यक्ति जो जानवरों को मारता है पर वो अपने जानवर को नहीं मारता है, जिनको पाला हुआ है, क्यों? उसके अंदर दया है, करुणा है। तो पूरी करुणा दया समाप्त नहीं हुई है, यदि उसके अंदर ये पूरी दया करुणा समाप्त हो जाए तो वो भी भगवान बन सकता है, वो भी महावीर बन सकता है। मैं विश्व के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो प्राणी हमें जीवन दे रहा है उस प्राणी की आप रक्षा कीजिए। प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड होना चाहिए, नॉट एनिमल बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड होगा, हमारे WHO के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ट्रेडोस अदनोम, उन्होंने कहा है कि यदि प्लांट बेस्ड फूड होगा तो ही हम विश्व को बचा पाएंगे, अन्यथा कार्बन फुटप्रिंट फुट से जो है यह बीमारी का संक्रमण फैलता जाएगा और सारा विश्व जो है बीमारी से की चपेट में आ जाएगा। तो पूरे वातावरण को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश को एक मन से सोचना पड़ेगा कि हमें प्राणियों की रक्षा करना है और प्राणियों के साथ रह करके उनके प्राण बचाना है और अपने प्राण भी बचाना है।
महाराज जी जैन धर्म के पांच जो असत्य अहिंसा अधर्म और आपका ब्रह्मचार्य, तो इसको लेकर ब्रह्मचार्य का कितना पालन कर रहे हैं लोग आज की, क्योंकि आज के दौर में देखा जा रहा है कि मॉडर्न कल्चर की तरफ ज्यादा होते जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे यहाँ पर जब बालक 8 साल का होता है तो उसको ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है कि बेटा जब तक तुम्हारी शिक्षा है कोई बेड टच नहीं करना है तुम्हें, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो गुरु महाराज जी के पास जाकर के उसको नियम दे दिया जाता है, और जब उसके विवाह में जाता है फिर वो आशीर्वाद लेने जाता है और उससे ये कहा जाता है कि अब तुम जो है ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करोगे। इसका मतलब ये है अपनी पत्नी के अलावा किसी और के प्रति अपने मन में किसी प्रकार के विचार ख्याल नहीं लाना है, ये तुम्हारा व्रत है। और हमारे समाज में लगभग लगभग सभी लोग इसका पालन करते हैं। नहीं नहीं ये वाले फोटो वाला नहीं होगा, ये वाले फोटो नहीं होगा। हाँ ये कर सकते हैं, वो वाले नहीं होगा, नहीं इस बैनर के फोटो वाला नहीं होगा। हाँ ये वाला फोटो नहीं होगा, इसका हो जाएगा। आप लोग खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, आ जाइए खड़े हो जाइए, आ जाओ संजय जस सर जी, आ जाइए, आगे प्रमोद जी आगे आ जाइए ना। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बेटा अनिकेत कार्ड ले आओ, कार्ड जो कार्ड थे कार्ड ले आओ, सब लोग एक कार्ड पकड़ लेंगे हाथ में ना, कार्ड ले आइए पूरे, सब लोग और दास्तानों के लिए
आ जाइए। हाँ वही 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 चारों चारों बोल रहे हैं, चारों हैं। खोल के कार्ड निकाल लो, कार्ड निकालो, कार्ड खोल के, खोल के। एक लाइन से खड़े हो जाइए, एक लाइन से। खोल 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 एक मिनट। हाँ हाँ कार्ड खोल लीजिए। हाँ ये हो हाँ तो आपने कहा अभी देखिए हम लोग एक मिनट मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक हम लोग संख्या में कम है इसलिए नहीं मिला, पहले आपसे भ्रम निकालिए कि हम लोग कम है इसलिए अल्पसंख्यक मिला, ऐसा नहीं है। हमारी भाषा है प्राकृत भाषा, हमारे पास संस्कृति है, पुरातत्व है, और प्राचीन जिन मंदिर हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं, इनकी और की सुरक्षा के लिए हमको अल्पसंख्यक बनाया गया है, नॉट संख्या में, संख्या से नहीं बनाया गया, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। हमारे पास हजारों ग्रंथ है प्राकृत भाषा के, जो महावीर की परंपरा से जैन आचार्यों ने लिखे हुए हैं, वो अनमोल हैं, मैनुस्क्रिप्ट हैं, हजारों मैनुस्क्रिप्ट हैं, हजारों तीर्थ क्षेत्र हैं, जो कोई 1500 वर्ष है, कोई 2000 वर्ष का है, कोई 5000 वर्ष के हैं, और ऐसी ऐसी अनमोल प्रतिमाएं हैं। तो इतनी प्रतिमाएं, इतनी मैनुस्क्रिप्ट जो है अंग्रेजों के राज में इस देश से बाहर गई, जो उनके म्यूजियम बन गए बड़े बड़े, और आज भी यहाँ भारत में जब ये पुरातत्व की स्थापना हुई तो उनको सुरक्षित करके उनको सुरक्षित किया गया। तो हम लोगों ने डिमांड की थी कि हमारे ये तीर्थ और मैनुस्क्रिप्ट कैसे सुरक्षित रहेंगे, तो उसके लिए सरकार ने फिर हम लोगों को अल्पसंख्यक भाषा संस्कृति के आधार पर किया गया था, हम उसके लिए स्वीकृत हैं। हम इसके लिए नहीं कि जनसंख्या कम हो गई है तो हमें जो है निम्न वर्ग में रख दिया गया हो इसलिए अल्पसंख्यक हम लोग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। सरकार से कोई फैसिलिटी लेने के लिए नहीं किया गया, हाँ, इसके लिए किया गया कि हमारी संपत्ति का संरक्षण हो सके, तो संपत्ति पैसे के नहीं, संपत्ति हमारे लिए तो ये पड़ी है हमारे पास, उसका संरक्षण हो सके, ये अलग किया गया। ठीक है, और कोई एक बात तो ये ध्यान रखिए कि मांसा कोई आहार नहीं है, मांस भक्षण है, साग सब्जी प्लांट बेस्ड जो होता है वो आहार है, मांस कभी आहार नहीं कहलाता है, मांस वो है जो जानवरों को मार करके तैयार किया गया है और उसको खाया जाए तो वो भक्षण कहलाता है, इसलिए मांस को कभी भी आप आहार के लिए उपयोग तो ना करें, पहली बात तो। अब दूसरी बात, जो ये लोग मांस भक्षण में लगे हुए हैं, ये
बिल्कुल गलत हो रहा है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आहार, आहार का ध्यान नहीं दोगे तो आहार से भी विचार का ध्यान नहीं आएगा। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो संस्कार शुद्ध होंगे, और संस्कार शुद्ध होंगे तो संस्कृति का संरक्षण होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंपल बचाने में लगे हुए हैं, हम एक दो वर्गों को बचाने में लगे। करोगे क्या, ये व्यक्ति भी मांस भक्षण करने लग जाए, ये भी मांस भक्षण करने लग जाए, दोनों एक टेबल में बैठ गए तो आहार एक हो गया तो विचार एक हो गया, और विचार एक हो गया तो संस्कार एक हो गए, और संस्कार एक हो तो संस्कृति एक होगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप खाओ नहीं खाओ, हम ये कह रहे हैं जो जैसा है उसको वैसा रहने दें। आप गलत संस्कृति में मत जाइए, आपकी जो संस्कृति जो है शुद्ध आहार की है, प्लांट बेस्ड फूड की है, आप उस पर चलिए, और जिससे इस देश का में जो कार्बन बढ़ रहा है, देखो पर्यावरण, पेड़ पौधे कटने से और जानवर कटने से कार्बन बहुत हो रहा है, और उस कार्बन के कारण ग्लेशियर आदि जो है वो सारे वो हो रहे हैं, हर जगह पे फ्रंट फूट लगा हुआ है कार्बन का, वहां संक्रमण हो रहा है, बीमारी हो रही है, और सारा बीमारी की चपेट में सारा देश आ रहा है। इसको सुरक्षित व्यवस्थित करने के लिए लोगों को जो पेड़ पौधों के आधारित जीवन जीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।